हेलो एवरीवन, वेलकम टू विन योर इंग्लिश अगेन। आज हम बात करेंगे IBU जो कि टोरंटो में एक्सक्लूसिव इनके प्रोडक्ट्स हैं यूनिवर्सिटी के। हमारे साथ हैं मिस अर्जिता शर्मा, वेलकम टू यू। थैंक यू सो मच। एंड इंटरनेशनल बिजनेस यूनिवर्सिटी टोरंटो के कुछ एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स हैं जो कि विन योर इंग्लिश स्पेसिफिकली प्रमोट कर रहे हैं। हमारा डायरेक्ट टाई अप है इनसे। सो अर्जिता मैम से आज हम पूछेंगे कैसे स्टूडेंट्स बैचलर और मास्टर प्रोग्राम्स में जा सकते हैं। सो अर्जिता मैम प्लीज एक्सप्लेन ऑन द प्रोग्राम्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। एंड यस, आई represent International Business University in entire North India. So who can come to IBU? Before addressing that, I would like to address where we are located exactly. We are in downtown Toronto. We have two campuses, one is in downtown, one is in North York, which is very close to each other. So you can go in either of the campuses. Second thing, if you are someone who is looking forward to go to Toronto, that this is your very good option. We have economical fees, flexible requirements. Also, I would like to address one thing here because you know students have all kind of confusions कि वहाँ पर जाके हमें jobs मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, और वहाँ पर जाके हमें degree करनी चाहिए या diploma करना चाहिए, किसके साथ किसको work permit मिलेगा, इन सब का जो confusion है। So अगर हम बैचलर प्रोग्राम्स के लिए बात करें तो हमारे पास IBU में क्या क्या प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं? IBU में आपको 4 स्पेशलाइजेशंस मिल जाएंगे। आप बिजनेस मैनेजमेंट, सिंपल जो बिजनेस मैनेजमेंट ऑप्शंस है, BCOM उसके लिए जा सकते हैं। दैन डिजिटल सेल्स एंड मार्केटिंग ऑप्शन है। दैन देयर इज द इंटरनेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। दैन वी हैव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दिस मीन्स वी कैन अकोमोडेट स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, कॉमर्स एंड नॉन मेडिकल बैकग्राउंड। सो आप किसी भी स्ट्रीम से हो, अगर आपका 55% प्लस है, +2 में स्कोर, आप आ सकते हो। इंडिविजुअल स्कोर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ यू हैव 55% एंड अबव एंड यू थिंक यू वांट, यू कैन अप्लाई फॉर IBU, डेफिनेटली यू कैन गो अहेड। गैप कितना लेते हैं आप ग्रेजुएशन में? ओके, 4 इयर्स गैप हम ले रहे हैं ग्रेजुएशन में, प्लस इस गैप का यूनिवर्सिटी के लिए कोई जस्टिफिकेशन आपको देने की जरूरत नहीं रहेगी। दैट्स अ वंडरफुल कैंडिडेट। देखिए, नॉर्मली यूनिवर्सिटीज प्रॉपर जस्टिफिकेशन मांगते हैं। IBU में जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए, बट हम प्रोग्रेशन शो करते हैं फॉर द विज ऑफिसर एंड ऑल। और 55% पे आप ग्रेजुएशन में आ सकते हैं, चाहे आप आर्ट स्ट्रीम में हैं, कॉमर्स में हैं, टेक्निकल नॉन मेडिकल फील्ड हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें IELTS कोर्स से, तो कई बच्चों के क्या होता है कि 2 में 5.5 आ जाते हैं, ओवरऑल 6 आए हुए हैं, तो उस केस में एक्सेप्ट कर रहे हैं हम? नहीं, सो वो ऑप्शन तो मैं नहीं दे पाऊंगी। IELTS हमें चाहिए 6.6 ईच मॉड्यूल, नो लेस देन 6 IELTS का स्कोर चाहिए होगा। बट अगर आपको लगता है कि जो वीज़ा है वो सिक्योर हो जाएगा, वी आर गिविंग अ वेरी गुड ऑप्शन कि स्टूडेंट डुओलिंगो पे अप्लाई कर सकते हैं। डुओलिंगो, अगर किसी के मान लीजिए 1 में 5.5 आ गए हैं, 2 में 5.5 है, टू प्रोक्योर एन ऑफर, तो हम डुओलिंगो पे भी ऑफर ले सकते हैं। ओवरऑल 6 हो, 1-2 में 5.5 के साथ भी हम प्रोसीड कर सकते हैं। सो डुओलिंगो 105 अबव है स्टूडेंट के, सो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें ऑफर मिल जाएगा। प्लस जब आप फाइल लगा रहे हैं तो आप IELTS का जो ओवरऑल 6 का स्कोर है उसके बेसिस पे फाइल लगा सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि आजकल बच्चों को देखा गया है कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिव स्टडी से बच्चे, देखा जाता है कि 5 दिन क्लासेस में नहीं जा पाते क्योंकि वहाँ पे जाके उन्होंने अपने लिविंग एक्सपेंसेस मीट करने हैं। तो कितने दिन क्लासेस हैं ग्रेजुएशन एंड मास्टर प्रोग्राम में? वी आर वेरी फ्लेक्सिबल फॉर दैट। इट इज़ बेसिकली अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। सो 2 दिन आपकी क्लास रहेंगी एक हफ्ते में, 2 डेज क्लासेस इन अ वीक, बाकी रेस्ट ऑफ द वीक यू कैन वर्क। आपको बहुत बहुत ईज ऑफ स्टडी है। वी विल टीच यू 4 कोर्सेज इन 1 सेमेस्टर। दिस मीन्स 2 कोर्सेज इन फर्स्ट 2 मंथ्स, अदर 2 कोर्सेज इन नेक्स्ट 2 मंथ्स। दैट्स अ वंडरफुल न्यूज़ एक्चुअली। बच्चे काम भी कर सकते हैं एंड दे कैन अर्न साइमल्टेनियसली एंड दे कैन स्टडी। और मोर ओवर ये एक यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, इसमें आप देखिए कि प्रॉपर वर्क परमिट है, और आप जो प्रोग्राम में जाएंगे आने वाले टाइम में जॉब गारंटेड प्रोग्राम जाएंगे। यस यस। सो अपार्ट फ्रॉम गैप हो गया हमारा कवर, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम्स एंड 2 दिन स्टडी होगा। इसकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। इज इट इकोनॉमिकल एज कम्पेयर टू कॉलेजेस? जैसे देखा गया कॉलेजेस में 17-18,000 बैचलर की फीस है, तो इसमें बैचलर की फीस कितनी है? Yeah, so again very good news. It is the most economical BCom program you will find in entire Ontario, इट इज $13,250 $13,250 में आपका फर्स्ट ईयर का फीस कंप्लीट हो जाता है। वेरी इकोनॉमिकल आई वुड से कि 13,000 फीस और एक 18 या 20,000 फीस, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की नॉर्मली आप अगर देखें यूनिवर्सिटीज़ की 17, 18, 20, 22,000 ग्रेजुएशन प्रोग्राम की फ़ीस है और IBU की फ़ीस 13,200 है ग्रेजुएशन प्रोग्राम की। दैट इज़ वेरी इकोनॉमिकल। प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस भी 14-15,000 होती है, तो ये यूनिवर्सिटी की फ़ीस 13,200 है। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। सो सारे स्ट्रीम ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं इसमें हमारे पास। बिल्कुल। एंड Yes, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, बैचलर से जनरली बच्चे घबराते हैं कि 4 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो हम आपको फास्ट ट्रैक ऑप्शन देंगे यहाँ पर। अगर आपको लगता है आप स्मूथली 2 days a week क्लासेज है विच इज़ वेरी जेनरस एंड वेरी इजीली मैनेजेबल, आप अपना स्केड्यूल्ड ब्रेक स्किप कर सकते हैं और आपका 4 years का बैचलर 2.8 ईयर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। दैट्स अ वंडरफुल थिंग। मतलब 4 साल की बैचलर 2.8 years मतलब 3 साल से कम के टाइम में आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं विद अ फ्लेक्सिबल स्केड्यूल, और आपके पास प्रॉपर टाइम काम करने के लिए भी होगा, स्टडी के लिए होगा। एंड अगर हम बात करें मास्टर प्रोग्राम्स की इन द सेम यूनिवर्सिटी, व्हाट वी आर ऑफरिंग बेसिकली। यस, सो जस्ट वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन अबाउट बीकॉम, वन मोर लास्ट थिंग, even if you are from open board you do not have to worry, because those students who come from open board they always feel that they do not have many options in, you know, when they want to go study abroad, but IBU is taking open board. So if you have open board, bring your documents at Win Your English, please get an assessment done for them, and we can totally find out that IBU can accommodate you or not. So देखो बहुत बड़ी बात है, normally open universities को बहुत सारी universities acceptance नहीं देती, but IBU में हम इसको कर सकते हैं। Really appreciate your efforts to make you know sharing this information। तो अगर हम MBA की बात करें, जो कि IBU में exclusive MBA हम दे रहे हैं pan India, तो MBA में हमारे पास क्या क्या courses हैं? ओके, सबसे पहली बात, MBA में आपको अटेस्टेशन नहीं चाहिए, तो जो ग्रे एरिया है, कंफ्यूजन है, वो नहीं है। यू कैन टेक योर स्पाउस विद यू, योर स्पाउस विल गेट द ओपन वर्क परमिट, यू विल गेट अ 3 years वर्क परमिट आफ्टर MBA। दैट्स अ वंडरफुल थिंग। स्पाउस का विद स्पाउस हम अप्लाई कर सकते हैं MBA में, कोई अटेस्टेशन नहीं चाहिए। जो प्रोवेंशियल कैपिंग है इस पे नहीं है। यस, नहीं, बिल्कुल नहीं। और किस तरह के हमारे पास MBA में कौन कौन सी फील्ड्स हम ले सकते हैं? ओके, सो 3 तरह के प्रोग्राम्स हैं, 3 specializations यू कैन से। वी हैव टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वी हैव आर एब्सोल्यूट फेवरेट ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, एंड देन वी हैव फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट एनालिटिक्स। So again I will say we can accommodate all the streams, even if you come from arts background or commerce background or non medical background, you have done BA, BCOM, we are taking 3 years of bachelors. Oh, that's great. So normally देखा गया कि कुछ MBA जो universities में होते हैं they require 4 years of graduation। 3 साल की ग्रेजुएशन के साथ भी हम इस MBA प्रोग्राम में एंटर कर सकते हैं। Yes, विद स्पाउस लेके आ सकते हैं, प्रॉपर वर्क परमिट है इसमें, और ये किसी भी कैपिंग के अंडर नहीं आएगा। तो इसकी जो बैंड रिक्वायरमेंट क्या है, थोड़ा इस पे भी आप बताइए। बैंड रिक्वायरमेंट बीकॉम और MBA की सेम रहेगी IBU में। सो दिस मींस 6 each चाहिए आपको। जनरली आपको 6.5 PG प्रोग्राम्स के लिए या MBA के लिए, मास्टर्स के लिए 6.5 या 7 ओवरऑल चाहिए था। नो, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। 6 each पर आप जा सकते हैं विद IELTS। दैट्स अ ग्रेट न्यूज़, बिकॉज मोस्टली यूनिवर्सिटी 6.5 ओवरऑल, समटाइम दे रिक्वायर 6.5 each। हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, बट इसमें 6 each पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। एंड ओवरऑल आपके पीटी में 60 हो, वी कैन अप्लाई। एंड टफल में कितना स्कोर रिक्वायर्ड है? 80 ओवरऑल। 80 ओवरऑल चाहिए। देन अगेन वी हैव डुओलिंगो ऑप्शन। सो डुओलिंगो वी आर टेकिंग बोथ द प्रोफाइल्स, we are taking onshore, we are taking offshore, even if the IELTS or PTE is expired for the students who have already reached Canada, they want to switch now for some reason. Yes, they can go for Duolingo, they only need 110 and they can apply for IBU. Great. हमारे एक और चीज़ मैं आपको पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे वहाँ जो जाते हैं, मेरे पास कॉल्स आते हैं कि हमने जी कॉलेज चेंज करना है, यूनिवर्सिटी चेंज करनी है। ऑनशोर क्या फीस स्ट्रक्चर अगर हम ऑनशोर एनरोल करते हैं स्टूडेंट को? वेरी वेरी रीजनेबल। वी अंडरस्टैंड जब बच्चा ऑनशोर है, एंटायर कंट्री चेंज हुई है, दे यू नो दे हैव टू मैनेज देयर फाइनेंसेस। व्हेन यू वांट टू शिफ्ट टू IBU, as initial deposit to start your classes, you only have to pay $2,150. That's great news. Yes, actually सिर्फ छोटी सी अमाउंट 2000 के करीब अमाउंट आप देखकर वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, एक प्रॉपर रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी में अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। 2 डेज़ क्लासेस हैं जिसमें प्रॉपर फ्लेक्सिबल स्केड्यूल है, स्पाउस को फर्दर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनशोर वाले स्टूडेंट्स जो भी देख रहे हैं कि कॉलेज चेंज करना है, नॉर्मली क्या होता है कि कॉलेज प्राइवेट में आ गए आप और फर्दर आप किसी पब्लिक में जाते हो तो 5 डेज़ क्लासेस हो। तो मैंने हम्बर कॉलेज से अपनी मास्टर्स की है, 5 डेज़ क्लासेस है, शेरिडन में 5 डेज़ क्लासेस है, जॉर्ज ब्राउन में 5 डेज़ क्लासेस है, स्टिल वो कॉलेजेस हैं और ये यूनिवर्सिटी है, 2 डेज़ क्लासेस हैं और बहुत थोड़े से पैसे में आप इसमें ऑन शोर भी एनरोल कर सकते हैं। तो मास्टर प्रोग्राम में गैप कितना हमारा एक्सेप्टेबल? वी कैन टेक 10 years ऑफ गैप बट वी आर नॉट स्ट्रिंजेंट टू इट। अगर स्टूडेंट मेच्योर प्रोफाइल है, इससे ज़्यादा का गैप है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस है उनके पास, ऑन द बेसिस ऑफ केस टू केस वी कैन स्टिल टेक प्रोफाइल। हमें वो प्रोग्रेशन शो करना पड़ेगा एंड वी कैन टेक मोर देन 10 years ऑफ गैप। तो हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमने भेजे हैं मोर देन 10 years गैप। सो स्टूडेंट्स जिनका गैप बहुत ज़्यादा है, अगर मान लीजिए आप हाउस वाइफ हैं या आपका काफ़ी गैप हो चुका है, स्टिल वी कैन अप्लाई टू दिस यूनिवर्सिटी। एंड आई गेस कोई और पॉइंट आप इसके बारे में बताना चाहेंगे? यस, सो एनीबडी हु हैज़ डन डिस्टेंस लर्निंग, जिन बच्चों ने बैचलर्स डिस्टेंस में किया होता है, दे कैन अप्लाई। वी फॉरगॉट फीस फॉर ऑफशोर स्टूडेंट्स, सो ऑफशोर की जो फीस है दैट वुड बी 17,250 फॉर 1 year, विच अगेन इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर MBA। देखिए 17,000 आपकी फीस है MBA प्रोग्राम में, दैट इज़ वेरी इकोनॉमिकल। और आई गेस वी कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स। और अगर हमने फाउंडेशन होता है उसको थोड़ा सा आप एलैबोरेट कीजिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस कुछ फाउंडेशन प्रोग्राम देते हैं, जैसे अलगोमा में या यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट में अगर हम फाउंडेशन देते हैं तो उसके काफ़ी एक्सपेंसेस पड़ते हैं। आई गेस 6,000 to 7,000 वन हैज़ टू पे फॉर द फाउंडेशन प्रोग्राम। इसमें फाउंडेशन के क्या चार्जेस रहते हैं अगर होता है तो? ओके, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी कंपैटिबिलिटी MBA के साथ बनाने के लिए फाउंडेशन कोर्स आपके कंडीशन में लग के आता है ऑफर में, आप फाउंडेशन कोर्स में 2 कोर्सेज होंगे वो आपको कंप्लीट करने होंगे और उसकी फीस इज़ वेरी नॉमिनल अगेन, so you have to pay just $132. Arey wow, that's a great thing, that is nothing actually. Yes, so it is for both the courses less total than the application fees of many of the colleges. Yes. So you guys are providing foundation program. Yes, so that's an amazing option guys, jisne bhi bachelor ya masters karna hai kyunki aane wale time mein ग्रेजुएशन और मास्टर्स का ही टाइम है। कनाडा में वो चीज़ें चली जा चुकी हैं जो डिप्लोमाज एंड ऑल जिसमें स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होते थे। और इकोनॉमिकल फ्लेक्सिबिलिटी देखें और ईज़ ऑफ स्टूडेंट देखें तो IBU इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन टोरंटो। हब में है, जॉब ड्रिवन प्रोग्राम्स हैं एंड यू कैन ऑप्ट। वी हैव सेवरल ऑप्शंस। विजिट Win Your English, यू कैन डायरेक्टली कॉल मी एट 7973160270 और विजिट आर हेड ऑफिस एट जगराओं। Thank you so much ma'am for sharing such an indispensable information, and we are obliged to visit us. Agar kuch, if you feel you would like to share with students. Yes, thank you so much. First of all, thank you so much for having me for this session. I always love to provide information for this that benefits students. Agar student abhi ja rahe hain Ontario areas mein, Toronto downtown mein ja rahe hain, I will really recommend, if you have a skill you are more employable, so you can develop a skill. It could be anything, graphic designing, a photography skill, or hair, nail, makeup, anything that you can learn, you know, that makes you different, that makes you stand out. You are more employable, you can get more part-time jobs with the help of that. Second, if you come and apply through Win Your English, you get a fees waiver. Okay. There will be no application fees for BCom and MBA, so that's again. I think I would like to end my session with that. Thanks a lot for such beautiful session, information sharing session. Thank you everyone. We have shared every bit of information with you regarding IBU. You can search on the website as well. Soon we're going to update all the information on our social media. So visit Win Your English, Raikot Road opposite Sonalika Tractor Agency, Jagraon. Thank you so much. Thank you so much everyone.